हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? सुबह का टाइम 8 बजा हुआ था। माहिका को मैंने उठा दिया है, उसको ब्रश व्रश करने के लिए मतलब भेज दिया है, मतलब मम्मी करवा देती है। एंड महेंद्र नहीं है वो घर पे आज। आज है 14th फेब, वैलेंटाइंस डे है। नॉर्मली वैलेंटाइंस डे कैसे होती है, एंड बेबी होने के बाद वैलेंटाइंस डे कैसे हो जाती है देखो। तो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ काम था, वो घर पे गए, मतलब मेरे इन लॉज के यहाँ पे गए हुए हैं वो घर पे हमारे। वो आ जाएंगे मतलब अभी तक आई थिंक 15 फेब, वो 2-4 दिन से ही गए हुए हैं, तो कल तक वो आ जाएंगे। एंड मैं भी चाहती लेकिन इतनी छोटे से बेबी को लेके ट्रैवल करना एंड अभी इतने अर्ली स्टेज में ऑपरेशन का ट्रैवल करना, वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, तो मैं नहीं जा पाई थी। एंड यहाँ पे माही को भी उसका क्लास स्टार्ट होगा, उसका क्लास करवाना है। कौन सा स्पेशल है आज बताओ? कुछ स्पेशल नहीं हो रहा है, वही रेगुलर सा रूटीन है। तो मोक्ष भी आपको हाई बोल रहा है यहाँ पे। तो बहुत लोग बोलते हैं कि मोना प्लीज़ बेबी का फेस क्यों नहीं दिखा रहे हो, कब दिखाओगे? ऐसा कुछ नहीं है, बट मम्मी ये सब लोग बोलते हैं 21 डेज तक ऐसा कुछ है क्या, नहीं दिखाना चाहिए, रुक जा थोड़ा। मतलब घर पे जो रिलेटिव्स आते हैं वो लोग तो देखते ही हैं सोशल मीडिया पे, रुक जा तो ठीक है, मान लेते हैं उनकी बात। अदरवाइज़ मैं उतना बिलीव नहीं करती इन सब बातों पर, बट जब बड़े ही बहुत कुछ बोलते हैं ना तो थोड़ा सा चलो ठीक है कोई बात नहीं सुन लेते, कोई इसमें हर्ज की बात नहीं है अदरवाइज़, और ऐसा कुछ रीज़न नहीं है यहाँ पे। तो इसको मैंने फीड करवाया, फिर इसने सुसु पॉटी अपना सारा मॉर्निंग का काम कंप्लीट कर लिया, इसको सुला दिया। तो इसको तो ये अभी 2 घंटे तक आराम से सो जाएगा यहाँ पे। माहे का अभी क्लास होगा, 9 बज रहा है अभी, क्लास उसका स्टार्ट होगा मतलब 10:30 तक तो ये सो जाता है, जब तक माहे का क्लास ख़त्म होता है। तो मैं माहे को ब्रेकफास्ट भी मैंने बना के दे दिया था, बस वो दूध पी के ही क्लास करती है, ज़्यादा कुछ नहीं है फिलहाल। मम्मी अभी चली जाएगी अगले मंथ में, तब मेरा एक्चुअल रूटीन स्टार्ट होगा, मतलब कुकिंग का ये सब का। मैं सोच रही हूँ कुकिंग के लिए किसी को रखने के लिए, क्योंकि मैं कुकिंग नहीं कर पाऊँगी इतना सारा चीज़, क्योंकि बस 1.5 महीना भी नहीं हुआ होगा ऑपरेशन का, तो इतना सब कुछ करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा। तो वर्कलोड तो वो बढ़ ही जाएगा पहले से, बट देखते हैं क्या होता है। वो भी हमने स्टार्ट कर दिया है देखने के लिए कुक वगैरह। तो यहाँ पे जो ये जो कार्टन्स थे, ये सारा पैकिंग के लिए जो कार्टन्स है वो सब कुछ आए हुए, धीरे धीरे ही हो रहा है, क्योंकि जितना पैकिंग को बहुत सारी चीज़ें लेकर नहीं जाएंगे फिर वहाँ पे, जितना नेसेसिटी है उतना ही लेकर जाएंगे, सारा सामान उठा के लेकर नहीं जाएंगे, तो इसी के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है और कुछ नहीं है। यहाँ पर मम्मी सुबह का ही टाइम था 9:30 ऐसा कुछ, बेबी का जो भी कपड़े होते हैं ना वो हाथ से ही वॉश कर देती है मम्मी, बाकी तो वॉशिंग मशीन, हमारा तो वैसे वॉशिंग मशीन भी ख़राब हो गया है, तो अभी आई थिंक जब नया घर जाएंगे तो फिर वॉशिंग मशीन भी लेना पड़ेगा, हमारा एसी भी खराब हो रहा है इस घर में, तो बहुत सारी चीजें। कभी कभी तो महेंद्र बोलते इतना हंसी आता है यार कि सारी ही चीजें डैमेज हो रहे हैं एक एक करके, जैसे शिफ्टिंग करने की आती है दिमाग में बात। तो अभी माहिका का भी क्लास ख़त्म हो गया है, एंड मोक्स भी वहाँ पे, जैसे ही मैं खाने के लिए बैठती हूँ ना उसका उसका रोना वहाँ करके स्टार्ट हो जाता है वहीं पे। तो कितनों के कितने मम्मियाँ ये फेस कर रही है बताना, ठीक है? जैसे ही वो लोग खाने के लिए बैठे हैं उनके बच्चे रोना स्टार्ट करते हैं, पॉटी कर देते हैं। माहिका का एक रूटीन है कि सुबह उठते ही आ जाएगा कि नहीं मम्मा मुझे मोक्स को दो, मैं मुझे गोदी करना है, फिर क्लास ख़त्म हो जाए मुझे दो गोदी करना है। ये भी रोता नहीं है उसके गोदी में, बड़े अच्छे से खेल लेता है यहाँ पे। बहुत लोग ये भी बोलते हैं मोना उसको पूरा फुल वाला कवर पहनाओ, तो मैं बताती हूँ देखो, हम लोग फैन ऑन नहीं करते हैं, एंड हमारे घर का टेम्परेचर घर के अंदर 31 डिग्री ऐसे के करीब होता है, तो उतने में आप लोग ही एक आइडिया लगाओ कैसे कपड़े बच्चों को पहनाना पड़ेगा घर पे। हाँ, जब वो एसी में सोएगा, जब तक 1-2 महीने बाद हम लोग ऑफकोर्स एसी में सोएंगे, तो उसके बाद उस वक्त उसको फुल कपड़े ही पहनाना पड़ेगा, आप लोग सोच लो। तो उसको वहाँ पर स्पॉन्ज करवा लिया था, फिर मैं लंच कर रही थी, लंच में ना आज दाल चावल ये पूरा मतलब एकदम बॉयल्ड वाला है, बहुत ही नरम चावल है, एंड यहाँ पे जो गाजर एंड बीटरूट की सब्जी थी ना उसको हम मम्मी ने वो जो तिल का ऑयल नहीं था, जिंजली ऑयल बोलते उसमें फ्राई करा हुआ था, बोलते वो बहुत अच्छा होता है हमारे डिलीवरी के बाद स्पेशली बैक पेन इन सब के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड साउथ इंडियन यहाँ पे टमेटियंस को मैंने पहले से नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी ना ये वाला ऑयल यूज़ करते हुए मैंने देखा हुआ है मेरे नेबर्स में। एंड यहाँ पे जीरा अजवाइन का पानी सुबह ही बॉयल हो जाती है उठते टाइम ही, तो अब तक इतना हो गया एक भगोना कंप्लीट, अभी फिर ये लंच के टाइम खत्म हो जाएगा तो दूसरा भी बना लेंगे। लंच करने के बाद ना मम्मी ने भी सबने लंच कर लिया था, बेबी फिर से वो थोड़ा खेल के ये करके 3 बज गया था अभी, वो फिर 3:30 बजे तक उस वो सोया हुआ था, तो मुझे थोड़ा सा मैं भी रेस्ट कर रही थी उसी के साथ, सो तो नहीं रही थी रेस्ट कर रही थी। अभी यहाँ पे मम्मी बना रही थी कि चलो बना लेते हैं गोंद के लड्डू, ये मैंने शेयर कंप्लीट अच्छे से नहीं करा हुआ था तो आज करती हूँ। यहाँ पे ना 350 ग्राम का लिया है गुड़, 200 ग्राम का लिया है यहाँ पे गोंद जिसको कि घी में फ्राई कर दिया है, बादाम काजू लिया है उसको भी घी में फ्राई करके निकाल दिया है, मखाने को घी में फ्राई करके निकाल दिया है, एंड यहाँ पे करीब 400 से 500 ग्राम तक का घी है, घर का बनाया हुआ घी है ये, बस डिब्बे में इसमें
में रखा हुआ है, 1 चम्मच पेपर पाउडर, 4 चम्मच के करीब सोंठ, ड्राई जिंजर वो लिया है। हम लोग आज पूरा प्रोसेस शेयर करूँगी। बहुत मामा पानी तभी इधर उछ रहा हूँ, 1 सेकंड। ये गोंद को घी में फ्राई करा हुआ था, फिर इसको ऐसा क्रश कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, इसको ग्राइंड मत करना, इसे क्रश कर देना बस, ठीक है? ग्राइंड करोगे तो पाउडर जैसा हो जाएगा, ये खाने में आएगा लड्डू में, छोटे छोटे पीस की तरह बहुत टेस्टी लगता है। एंड ये कितना ग्राम जैगरी है? 350 ग्राम का ये है जैगरी। ये कितना पैकेट का गोंद है? एक पैकेट कितना ग्राम का है मम्मी? आई थिंक ये 100 ग्राम्स का होगा, मुझे ऐसा लगता है, छोटा सा पैकेट था तो। 1 सेकंड, तो आई थिंक 100 ग्राम्स का या फिर 150 ग्राम का होगा। ये है छोटा सा पैकेट का मखाना बाउल, हाँ ये एक बाउल में, ये बाउल है मखाना, एक बाउल आटा हमने लिया है, यहाँ पे इतना बादाम, ये काजू, आप लोग नट्स अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो यार। इतना हमने लिया इसमें पेपर पाउडर, एंड ये है सोंठ, जो ड्राई जिंजर बोलते ना, ये सोंठ पाउडर है। ये आई थिंक 3-4 चम्मच के करीब सोंठ है, 1 चम्मच के करीब काली मिर्च है, ये बहुत तीखी काली मिर्च है। एंड ये वाला घर का घी है, बट डिब्बे में ऐसा ये वाला डिब्बे में रखा हुआ था, बट ये घी है घर का घी यूज करना। मैं घी, ये घी है, घी में ये पहले ये सारा कुछ ना फ्राई कर लिया है, मखाने, बादाम एंड ये काजू, एंड अभी आटा फ्राई करेंगे उसी घी में। फ्लेम को ना मीडियम में ही रखना, बहुत स्लो में रखना, नहीं तो फिर जल जाएगा ये थोड़ा सा। तो सिर्फ फ्राई करने में ही ना ये जो घी है, इतना घी खत्म हो गया, पूरा फुल था इसमें, तो करीब आप 400 ग्राम के करीब आपको घी लगेगा इसमें। एंड अगर 400-500 आप चाहो तो इससे ज्यादा भी घी लगा सकते हो। एक्चुअली घी आपको डेली कंज्यूम करना चाहिए, मैं घी को अदर फॉर्म में कंज्यूम कर सकती हूँ, जैसे लोग चावल में डाल के खाते हैं या फिर घी ऐसे ही चम्मच में खा लेते हैं, मैं दूध में डाल के पीते थे डिलीवरी से पहले पीते हैं ना, मेरे से वैसा नहीं होता है। मुझे घी का वैसे वाला स्मेल, वो जो रॉ वाला आता है ना, वो नहीं होता। तो मैं खुद भी करती हूँ कि मैं अदर फॉर्म, जब ब्रेड में लगा के थोड़ा सा टोस्ट की तरह बना के उसको खा लिया, या फिर लड्डू में थोड़ा सा ज़्यादा घी डाल के कंज्यूम कर लिया, तो घी ब्रेस्ट फीड मदर के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली डिलीवरी के बाद। आप करो ना करो घी तो खाओ। एंड ये जो है इसको और बढ़ाने की प्रोसेस में है मेरी मम्मी, और कुछ नहीं। सोंठ पाउडर जो था ना, उसको थोड़ा सा घी में डाल के उसको फ्राई करेंगे। घी को ज्यादा गर्म मत करना सोंठ पाउडर डालने से पहले, बस हल्का सा ये वाला कलर, एंड वो जो आटा था उसका ये इतना कलर आने तक इसको फ्राई करना है, ठीक है? तो यहाँ पे ना जितना सारा ड्राई फ्रूट्स था सबको ग्राइंड करके, मखाने को थोड़ा सा क्रश करके, गोंद को तो हमने हाथों से क्रश करा था, देखा था आपने, इन सबको जैसे उसको मिक्स करना है। आपको पाउडर बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है, ना मखाने को, ना जो ड्राई नट्स है उसको, एंड उन सबको, और थोड़ा सा घी डाल के गुड़ जो था उसको हमने पिघला लिया था, उसको ऐड करके यहाँ पे वो वाला प्रोसेस तक ना मोक छूट गया था, तो मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो वो जो गुड़ का था उसको ऐड करके हम लोगों ने यहाँ पे लड्डू जैसे बनाते हैं, गर्मा गर्म ही आपको बनाना है, ठंडा होने नहीं देना है। तो इस बार थोड़े से बड़े साइज के लड्डू बनाए हुए हैं मम्मी ने, तो ये वाले हैं। ये काफी टाइम तक एयर टाइट कंटेनर में रखोगे ना तो बहुत अच्छा है, अगर दिन के 2-3 खाते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि कोई भी सूप के बारे में बताने के लिए, तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। माही ने एक यूज़ कर लिया था ऑलरेडी, ये है मामा अर्थ का नरिशिंग बाथिंग बार फॉर किड्स है ये, एंड पैराबिन फ्री है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे 5 डिफरेंट तरीके के आपको मिल जाएंगे, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, एप्पल है, ऑरेंज है, ब्लूबेरी है। आई थिंक इसने मैंगो का माही ने यूज़ करा हुआ था, आज एक और निकालेगी, वो बहुत पहले से यूज़ कर रही है, काफ़ी टाइम तक चल रहा है, काफ़ी सॉफ्ट है, स्किन को नरिश करता है, काफ़ी जेंटल है, ऑल स्किन टाइप है, ये एक प्लास्टिक पॉजिटिव है। मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री होते हैं एंड नेचुरल होते हैं। मामाअर्थ एक इंडियन ब्रांड है। यहाँ पे आप चाहो तो मेरा कूपन कोड माहिका 2022 का यूज कर सकते हो फॉर 20% डिस्काउंट मामाअर्थ के वेबसाइट में एंड मामाअर्थ के ऑफिशियल ऐप में। आपको ये कूपन कोड आप लोग यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स आपको अमेजोन पे, फर्स्ट क्राई पे, मामाअर्थ के वेबसाइट पे, मामाअर्थ के ऑफिशियल ऐप में मिल जाएगा। ऑफिशियल ऐप में मतलब कोई भी अगर न्यू अभी अभी लॉन्च हुआ है, कोई भी न्यू डील आता है, कोई भी ऑफर आता है, तो आपको सबसे पहले वहां पे मिल जाएगा, अपडेट मिल जाएगा। इसके साथ साथ एक और अच्छी चीज़ है, आप जितनी बार भी मामाअर्थ का कोई भी प्रोडक्ट लेते हो वो आपके ऑर्डर के साथ लिंक करते हैं एक ट्री को प्लांट करके, जिसका कि एग्जैक्टली पिक्चर, जियोग्राफिक लोकेशन वो आप लोगों को सेंड कर देंगे। तो इसका बाय लिंक नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। सुबह से मैंने ब्लॉग स्टार्ट करा है, बट मैंने उसको दोपहर में कंटिन्यू नहीं कर पाई,
एक तो दोपहर में ये बेबी नहीं सोया था, मोक्ष नहीं सोया हुआ था। एंड थैंक यू सो मच, आप सबको मोक्ष नाम बहुत पसंद आया। एंड बहुत सारे लोगों ने ये वाला नाम भी सजेस्ट करा था कि मयंक और भी था यार, बहुत सारा नाम था। पर पता है बात क्या थी, ऑलमोस्ट जितने भी नाम मेरे को अच्छे लग रहे थे ना, वो एम से एदर या हुआ तो मेरे दोस्तों के नाम है या तो फिर महेंद्र के दोस्तों के नाम है, हो ही जा रहे थे। तो हम नहीं चाहते थे कि हमारे किसी दोस्त का नाम हो, वो नाम हम देंगे, वो मुझे क्या नाम दिया। तो किसी ने जैसे इनका मेरा मेरा मेरे बैचमेट एक था मयंक, मनीष, मानस, बहुत सारे ऐसे ऐसे एम में थे, जो कि रुणाल करके किसी ने नाम बोला था, सजेस्ट करा था। तो ये सारे नाम ना ये थे। और मैं और कोई लेटर में देना नहीं चाहती थी, मतलब मैं चाहती थी कि एम से ही हो। तो इसी के लिए मैंने फाइनली मोक्ष दिया है, मोक्ष। तो मोक्ष थैंक यू सो मच, आप सबको नाम पसंद आया। एंड यहाँ पे ना, तो आज सुबह दोपहर में मोक्ष नहीं सो रहा, मतलब सुबह सो गया था, दोपहर में नहीं सोया, फिर शाम को वो सो गया। माँ ही भी 4:30 बजे सोई, तो फिर मैं कहाँ पे, मेरे थोड़ी देर के लिए मैंने बस नींद ली थी और कुछ नहीं है। पूरा दिन आज ऐसे ही चला गया, व्लॉग नहीं बना, कोई काम नहीं है, मेरे और भी बहुत सारे प्लान्स थे बनाने के, नहीं हो पाया। तो अभी ना हम लोग इसको मम्मी बनाएंगी, ये है उड़द दाल, चना दाल, थोड़ा सा इन सबको धो के भिगो के इसको सुखा दिया है धूप में। एंड ये है थोड़ा सा चावल का आटा, ये घर का बनाया हुआ है चावल का आटा, अदरवाइज आप थोड़ा सा चावल लेके उसको भी भिगो के थोड़ा सा धूप में सुखा सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पे ये हल्दी, ये भी घर का बना हुआ हल्दी है। तो इन सबको मिक्स कर, मतलब ग्राइंड करके इन सबका जैसे उबटन बनाते हैं ना, एक पाउडर बनाएंगी वो थोड़ा सा, जैसे बेबी को लगाने के लिए। हमारे लिए थोड़ा सा दरदरा सही रहेगा, बेबी के लिए थोड़ा सा स्मूथ, थोड़ा ज़्यादा स्मूथ होगा। हाँ, बेबी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ होगा। एंड किसी ने मेरे को कल कमेंट करा था कि मोना बड़ी गोलू मोलू अच्छी लगती हो अभी, तो हाँ मैं भी लास्ट 9-10 महीने से अपने आप को गोलू मोलू देखते देखते ना मेरे को भी लग रहा है कि वेट लॉस कैसे होगा, ये सारा कैसे जाएगी। इस बार मैंने बहुत वेट पुट ऑन करा था माही, ये नहीं उठता है माँ, ये सोता नहीं है। अगर ये सो जाता है ना तो ये बहुत डीप स्लीप पे चला जाता है। माही का के टाइम पे ऐसे नहीं था, माही का बैंगल की आवाज में उठ जाती थी। तो क्या बोलते हैं, हाँ माही का के, माही का नहीं, माही का के टाइम पे प्रेग्नेंट जब थी ना, तो मेरे में इतना, एक सेकेंड, इसको ग्राइंड कर लिया है, इसको चलाएंगे अभी दो बार, आओ ग्राइंड करियो केटा को। हाँ और थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे पहले इसको, थोड़ा सा है तो इसमें कर दे ले रहे हैं, कर ले रहे हैं, नहीं तो फिर आपको जो छन्नी होता है ना उसमें आपको करना पड़ेगा। ये करो ये, हाँ थोड़ा सा ये वाला सही है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं करेंगे, ये बेबी को लगाने के लिए सही, हमारे साइड में ऐसे बना के लगाते हैं। एक्चुअली पानी डाल के या फिर कुछ लगाने से पहले थोड़ी देर के लिए आप भिगो के रख दोगे ना, तो वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा, फिर आप अप्लाई कर सकते हो। हमारे साइड में माहिका को भी हमने ऐसे लगा था, माहिका के भी छोटे छोटे जो बेबी हेयर होते वो निकल जाए थे, एंड इसके भी बहुत निकल गए। स्टार्टिंग में तो इतने बड़े बड़े इसके बाल थे, बहुत थे। एंड ये मेरे तरह थोड़ा सा हैरी हैरी है। एंड हाँ, या तो फिर जैसे बहुत सारी जगह में लोई बनाते हैं आटा का, लोई बना कर लगाते, तो हमारे साइड में वैसा कुछ लगाते नहीं थे लोई बना के, बट मैंने वो हाँ रखा, तो वो मैंने वीडियो देख के ही मैंने बनाया था, एंड उसी को मैंने यूज़ करा था अभी तक, क्योंकि अभी हम लोग इसको डेली नहीं नहलाते हैं, दो दिन हफ्ते में 2-3 बार नहलाते हैं गैप दे के, क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्मी है एक्सट्रीम, तो एक एक दिन छोड़ के नहलाते हैं। एक महीने के बाद हम लोग शायद इसको डेली नहलाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अदरवाइज ये वाले वेदर में बच्चे भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है इसी के लिए। वो जो आटे का लोई इसी के लिए ये लगाओगे ना, तो थोड़ा सा आप नहला दो बच्चे को तो थोड़ा सा सही रहता है, लोई लगा के फिर पोछ भी दो ना तो भी चलता है, उससे भी इसके काफ़ी, वो जो बैक साइड में इतने बड़े बड़े बाल थे वो सारे निकल गए हैं इसके। तो हम लोग अभी कल नहलाएंगे इसको फिर से, तो आज नहीं नहलाया था 2 दिन, तो इसको अभी ये वाला हो गया, इसको स्टोर कर देंगे एयर टाइट कंटेनर में, तो ये बहुत टाइम तक हो जाएगा। एक्चुअली आप बड़े बच्चों के लिए भी लगा सकते हैं, ये माँ ही बेबी दोनों के लिए है, दोनों के काम आ जाएगा। थैंक यू मम्मी, वेलकम बेटा। और कुछ? और कुछ और कुछ नहीं बोल रही, तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ तो माहिका के टाइम पे मेरा वेट कितना था पता है, मैं मैक्सिमम गई थी माहिका के टाइम पे
54 से मैं गई थी 68 गई थी, एंड वो वाला पूरा वेट मेरा पहले जो 10 kg के ऊपर तो मेरा बहुत स्टार्टिंग के महीने में भी ही कम हो गया था। इस बार मैं थोड़ा सा ज़्यादा गई थी, मतलब 54 से या फिर 54 ऐसे से मैं गई थी 73 तक, ऐसे इतना मैं रेंज में चली गई थी। बहुत ज़्यादा इस बार मेरा वेट पुट ऑन हो गया था, पता नहीं क्यों वेट पुट ऑन हुआ था। बेबी का उतना वेट नहीं था, माही का वेट बहुत था, माही का 4.5 थी माही, एंड ये बेबी ट्रिपल एवरेज है, नॉर्मल हेल्थ सही था, 3.25 जितना रहना चाहिए उतना सही है, माही का थोड़ा सा ज़्यादा वेट थी वो। तो इसी के लिए हमारे वेट के ऊपर बेबी का वेट बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। ये एक मिथ है, बहुत लोग बोलते हैं मम्मी बहुत ज़्यादा ज़्यादा खा लेगी तो बच्चों का वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो जाएगा, एंड मम्मी बहुत मोटी हो जाएगी प्रेगनेंसी में तो बेबी बहुत गोलू मोलू सा हो जाएगा। माई के टाइम में मैं बहुत पतली थी एंड इस बार मैं बहुत मोटी हो गई थी बहुत ज़्यादा। देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसे इधर उधर हो जाते हैं, एंड बहुत सारे लोग जैसे वो मतलब मुझे माही के टाइम पे सब लोग बोलते थे कि बेबी बहुत छोटा सा होगा छोटा सा होगा, इस बार बोलते थे उल्टा बोलते थे सब लोग, तो उल्टा ही हुआ। तो इतना मेरे को कंक्लूजन में आया कि हमारे मदर की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेट को उसका बेबी के वेट के साथ कोई भी कनेक्शन उतना नहीं है। बट हाँ, आप क्या खा रहे हो इस बार, आई थिंक मेरा खाना पीना भी थोड़ा सा मैं खुद बना के खाना ही है वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए इस बार ही, तो बट ठीक है 3.25 इज गुड वेट। ये भी एक सवाल बहुत था कि बेबी का वेट कितना है।